की है सुबह, नए सुबह की नई शुरुआत के साथ शुरू करेंगे आज का नया ब्लॉग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते उत्तराखंड, पहला प्रणाम। आई होप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे, आप लोग भी मस्त हैं। चलिए, और आज सुबह उठ के आज ध्रुव तैयार हो गए मेरे से पहले। काम करना पड़ेगा करके ना, पकड़ लिया अपना गिटार। ये आजकल की लड़कियों के का हाल, काम तो करना ही नहीं चाहते नहीं घर का काम। चलिए दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों दगड़ियों, पहली सब हुए पहली तो अमूल्य ले न्यूट्रला। ये न्यूट्रला लिया और न्यूट्रला भिगोने डाल दिया 5 मिनट के लिए। फिर इसको दो मिनट पाँच मिनट जो भी है इसको डाल दिया भिगोने के लिए। फिर फट से इसको उसमें निकाल के निचोड़ के यहाँ रख दिया और फिर ये मिक्सी में ग्राइंड हो गया। ये ग्राइंड करो इसको, और ये ग्राइंड वाला इसी में डाल देना इसको। तो गाइस ये कढ़ाई ली हमने और कढ़ाई गैस खोल दिया है। कढ़ाई में अब तेल डालेंगे हम, और ये कढ़ाई में तेल डाल दिया हमने। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, इतना तेल डाल दिया। ये तेल चाहिए और ये तैयार हो गया है। और ये हमने वो क्या हुआ, सोयाबीन बड़ी है, तैयार हो गई है। और ये हमारा आ गया सोया सॉस गोल्डी का, और ये केवड़ा जल, और ये टमाटर कचप और ये हो गया अजीनोमोटो। इतना आइटम चाहिए इसमें। तो ये अंडे हो गए, अंडे भी डालते हैं, और अंडे भी डाल सकते हो आप उसके बाद जो जैसा खाना चाहता है। और इसमें पनीर भी पड़ता है, बहुत आइटम पड़ते हैं, जितना स्वादिष्ट बना सकते हो। ये डाल दिया तेल में, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, जीरा हो गया, और तीन चार चीज़ डाल दिया। इसको हिला लेते हैं हल्का हल्का, और इसमें जो है हरी मिर्ची भी काट रखी है हमने। हरी मिर्ची चाहिए, स्पाइसी बनानी होती है। और ये मसाला है, दगड़िया ये हो गया है एकदम ब्राउन, ये पूरा ब्राउन हो गया। अब हम डालेंगे इसमें हल्का हल्का गोभी से लेकर लहसुन मिर्ची सारी चीज़ें डाल दी हैं, और फिर इस तरीके से इसको बाद हम जो है सोयाबीन बड़ी जो हमने तैयार की है ना, सोयाबीन बड़ी, ये सोयाबीन बड़ी इसके ऊपर से डालेंगे, इसको इसमें डालेंगे उसके बाद, और टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे मसाला डालेंगे, तो आप देखते रहिए, आपको दिखाते रहेंगे। और इस तरीके से हम अपना मोमोज अभी तैयार करते हैं। देखिए इसके ऊपर हल्का हमने नमक डाला क्योंकि गोभी को बैठाने के लिए, गोभी मोटी होती है। अब देखो एकदम गोभी बैठ गई है, और इसके ऊपर से अब हम डाल देंगे बड़ी सोयाबीन बड़ी डालेंगे अब हम धीरे धीरे। सोयाबीन बड़ी धीरे धीरे मिक्स करेंगे इसके संग। इसमें डालते हैं मसाले, नमक डालते हैं, नमक पहले एक चम्मच डाला था, एक चम्मच और डाल देते हैं, एक चम्मच नहीं जो 1.5 चम्मच अभी डाल दिया। और ये कलर मिर्च है, ये भी एक चम्मच से थोड़ी हल्का बढ़ा के डाल दिया। ये हमारा हो गया हल्दी, ये हो गया मसाला, हल्दी हल्का और डाल देते हैं, रेड चिल्ली और डाल देते हैं हल्का। तो इस तरीके से ये कम मसाला तैयार होते हुए मसाला, क्योंकि इसमें बाद में उनको भरते समय ना दिक्कत नहीं होती है सूखे मसाले में, गीला मसाला जो है चपचप हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो जितना है इसमें नमक वमक और स्वाद लेंगे, और ये मसाला तैयार हो रहा है देखिए। तो ये है दगड़ियों मसाला मोमो का, और मोमो बना रहा हूँ। आइए आप लोग भी आइए, और आप लोगों को भी बिल्कुल मोमो का स्वाद लीजिए, और ऐसे आप भी अपने घर में बना सकते हो। सब लोग बड़े सहनी दगड़ियो अपने अपो घर में ये ऐसे धीरे धीरे बना के, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता है, सब हो सकता है, पर दिलचस्पी भी रखनी पड़ती है चीज़ में। तो ये हम बना रहे हैं आज बच्चों के लिए, और हम लोग भी आज
शाम का हमारा ये रहेगा आज, आज खाना कहाँ बनेगा, आज मोमोज ही खाएंगे सब लोग। और इसमें डालते हैं अभी केवड़ा जल, ये डाल दें, केवड़ा डाल दिया है, सोया, हाँ ये सोया सौंस है, इसको भी हल्का हल्का डालते हैं लोग, तो इसको रखो तो डालेंगे। ये अजीनोमोटो देख रहे हैं आप, सफ़ेद सफ़ेद, ये अजीनोमोटो डालेंगे इसमें, इसको उठा दो यारे नीचे की है, ये अजीनोमोटो डाल दिया ऊपर से। धीरे धीरे वो आँच इसकी जीरो कर दी, इसको रखना। ये अंडे डालूँगा, आप देख सकते हैं, दिख सब्जी डालना था तुम्हें। ये अंडे डाल दिए हैं, अभी अंडे कम है, तीन ही अंडे डाल रहे हैं, लेकिन डालने ज़्यादा थे। गाइस ये मोमो बना रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं, और लगभग बच्चों ने खा लिया है, अब दीपशिका हम और दो तीन जने और रह गए हैं। ये बना दिए हमने मोमो, देख सकते हैं। और ये सस्ता जुगाड़ तो दिखाओ, सस्ता, ये सस्ता जुगाड़ हम देखो, हमारे पास वो नहीं था क्या, स्टीमर नहीं था हमारे पास, स्टीमर नहीं था तो हमने ये डीप में पानी डाला था, इसके ऊपर छन्नी है जिसको आटा छानते हैं, तो उसमें रखा तो बहुत गजब के बनने, ये आपको दिखाएंगे, देखिए कितने फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास बन रहे हैं। यहाँ उतना मसाला था, देखो अब इतना मसाला रह गया, ये थोड़े हमारा वो हमेशा बच जाएगा। चलिए फिर अभी दिखाते हैं आपको, आप देखते रहिए। ये चल रहा है गेहूँ का काम हमारा, ये गेहूँ के काम अभी पूरे नहीं हुए, बार बार छत में डाल रहे हैं, कल भी अचानक बारिश आई तो पूरा भीग गया, तो गेहूँ बताने का काम चल रहा अभी। कितना और है, 40-50 किलो और है ना, हाँ अभी और इतना रहेगा बस, इसको तीन चार दफ़े सुबह के चार दफ़े इसको बता बतू के फिर सब रखना पड़ता है, सब पीसने के लिए देते रहो फिर हर दूसरे महीने। तो ये है, चलो फिर हो गया होगा, हो गया। और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय दोस्तों।